बैराराम जी को हटाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। उनकी अनियमितता बहुत ज़्यादा है शिक्षा के संबंधित। 3 स्कूलें बंद पड़ी है वर्तमान में। और तो बैराराम कौन है, क्या क्या पूरा घटनाक्रम क्या हुआ थी? पीईओ है, यहाँ के प्रिंसिपल है अडेल के। उनके वजह से 7 लेक्चरारों ने यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लिए और 4 लोगों को इन्होंने निलंबित करवा दिया। अभी स्कूल की स्ट्रेंथ, टीचरों की स्ट्रेंथ 54 है और टोटल है 80। इतनी कम हो गई है और इनके आने के बाद नई ज्वाइनिंग कुछ हुई नहीं है। सब यहाँ से निकलते ही जा रहे हैं। किस हिसाब से अगर ये 4-6 महीने और रहे तो स्कूल की शिक्षा बिल्कुल चौपट हो जाएगी। तो आज आपने किन को ज्ञापन सौंपा, क्या मांग रखी है? कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रखा है और 6 दिन की मोहलत मांगी है। तब तक अगर बैराराम को हटाते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम स्कूल की तालाबंदी करेंगे। कितने स्कूल आते हैं पीओ क्षेत्र में? और पीओ क्षेत्र में शिंदे स्कूल को मिलाकर 18 स्कूल हैं, जिनमें टोटल शिक्षकों की संख्या 80 है और वर्तमान में अभी 54 ही है। कितने छात्र अध्ययन रहते हैं, कितनी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? सीनियर स्कूल में 1037 की स्ट्रेंथ है और बाकी स्कूलों में लमसम 1000 के आसपास है, 17 स्कूलों में। यह आडेल ग्राम पंचायत मुख्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उसके आसपास पीओ क्षेत्र में आने वाली सारी स्कूलों का प्रकरण है। और आडेल के अंदर जो बताया गया है कि करीबन 1000 से या 1050 के आसपास विद्यार्थी है और उसके अंदर जो 18 के आसपास अध्यापक बता रहे हैं और कुछ अध्यापक है जो परेशान होकर के अपने क्षेत्र में ट्रांसफ़र करवा चुके हैं। ये एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हेमाराम जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करता है लेक्चर रहे, उसका भी जो वीडियो है उसमें वो परेशान होता दिख रहा है। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो सारे जो SMC से संबंधित या जो जनप्रतिनिधि आडेल के सारे ग्रामीण आए हैं, इन लोगों की ये मांग है कि ये जो प्रिंसिपल है उनसे सारे ग्रामीण और उनके बच्चे और जो अध्यापक है और कई आरोप इसमें लगाए हैं। मैं भी अभी मैंने इन जो आए हैं उनसे निवेदन किया है कि भी आप सभी जो डॉक्यूमेंट्स ली प्रूफ लाओ, तब बात करेंगे कलेक्टर साहब से। और अभी कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि मैं जांच करूंगा और जांच में जो भी निष्पक्ष हो गया, कोई भी जो आपके आरोप है सत्य साबित हुए तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक।